Hello everyone, welcome to our channel. So as the topic itself suggests that कि SWOT analysis को किस तरह से हम applicable करें in reality to pass in our entrance examination. So आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही tips and tricks related to it. So now usually what we do is you start with strength, weakness, opportunities and threats, right? SWOT is basically a business term and some people, those who had already done their commerce, those who are from commerce background can more understand this term. So aap log hamesha start to end jaate hain, yani ki start with strength, you then go to weakness, opportunities and threats. Yes, that is the order. Now let's assume that I am changing SWOT to TOES. That means I am starting from descending order to ascending order to understand for my preparations. See, this is the life cycle which goes on when you are actually in your practical world. But हमें exam clear करने के लिए हमें usually यहाँ से start करना है. Yes, you heard me right. So for me, it would not be SWOT analysis. Rather, it would be TOES analysis. So how you will be clearing it, just understand it. Threats यानी कि खतरा. आपको समझना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट से खतरा हो सकता है, तो आपको सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है. जितना आप सब्जेक्ट से भागोगे उतना ही ज्यादा वो आपके पीछे आएगा. ओके, दिस इज द नेचुरल थिंग. सो अंडरस्टैंड एंड क्लियर जिसमें आपको पहला डाउट है, जिससे आपको डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई गेट फियर फ्रॉम मैथ्स, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैथ्स को ही लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसमें मैक्सिमम टाइम जाएगा एंड आई कैन नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन फ्यूचर फॉर क्लियरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो पहले मैं अपना खतरा देखूंगी कि मुझे किस चीज से खतरा है, देन आई विल रादर गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज अपॉर्चुनिटीज. नाउ अपॉर्चुनिटीज कम्स व्हेन इजिली यू आर एबल टू सॉल्व द थ्रेट्स विच यू आर फेसिंग फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. अब उस सब्जेक्ट का जो जितने भी आपको डाउट था वो क्लियर हो रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज पे पहुंच रहे हो. क्योंकि यहां तक जब आपका थ्रेट्स क्लियर होता है ना, आपके अंदर एक मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस नाउ यू आर प्रिपेयर, या सम हाउ यू आर प्रिपेयर एंड यू कैन एक्चुअली गिव योर एग्जाम एंड क्लियर योर एग्जाम इन वन गो. अपॉर्चुनिटीज आप तब समझते हो, देन आप जाते हो वीकनेस पे. वीकनेस पे आप तब जाते हो जब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि नहीं, आप जिससे डर रहे थे वो तो बहुत ईजी था और जो आपको ईजी लग रहा था वो एक्चुअली आपका जो है वो वीकनेस है. सो वहां पे आप काम करते हो. देन स्ट्रेंथ, येस दिस इज द लास्ट स्टेप विच यू गो, दैट इज अ स्ट्रेंथ, जहां पे आप ऑल ये पार करने के बाद यू आर नाउ प्रिपेयर्ड, या नाउ यर यू आर वेल प्रिपेयर्ड. एंड सो हमारी क्लासेस में भी यही तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पे आपको स्ट्रेंथ से डील करना जो है वो ऑल और अच्छी तरीके से बताया जाता है. एंड यहां पे आपका क्या होता है, एक तरह से आपका फिनिशिंग होता है एंड यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड टू क्लियर योर एंट्रेंस एग्जाम. सो यस, this is all for today's video. If you understood the video and if it is beneficial for you in cracking your exam, then do not forget to like, share, subscribe and comment to our channel, that is Be Educare Classes. Thank you so much.